हम जो सोचते थे कि बनमा ने इन्हीं टीचरों का होगा, जो लोग इतने सालों से इतने दिनों से काम कर रहे, चाहे 5 महीना से 6 महीना से 10 साल से 15 साल से, चाहे लक्ष्मीबाई कॉलेज का जो खबर है, ये हंसराज का जो खबर है, देशबंधु का जो खबर है, लक्ष्मीबाई का जो खबर है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो हुआ है आपके सबके सामने वो जो खबर है, ये अगर सभी कॉलेजेस में इसी को रोल आउट किया जाएगा तो हमारा जनरल बॉडी रेजोल्यूशन का अस्तित्व कहां जाएगा, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के नाम पर पहले ही कुछ साथी सिलेक्शन कमिटी से पहले ही शहीद हो गए। ईडब्ल्यूएस का सीट को पहले रिलीज कराना चाहिए था, तब जाकर के बात बनती, उनके साथ न्याय होता। रोस्टर का नियम यह है, और मैं दावा के साथ बता सकता हूं, 2013 का रूल नंबर 64 ईसी रेजोल्यूशन ये कहता है कि अगर एक बार रोस्टर बन गया, उस रोस्टर में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, उसका बॉटम में जाकर के ही आप एडिशन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जो नंबर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन आज सारे कॉलेजेस का रोस्टर को छेड़ दिया गया है, और सिलेक्शन कमिटी से पहले ही जो ओबीसी में काम कर रहे थे वहां पर जनरल बन गया, जनरल के जगह पर ओबीसी बन गया, तो जो साथी काम कर रहे थे उनको अपना अस्तित्व खो बैठे। ये हमें यूनिवर्सिटी लेवल में अगर इस बात को हम नहीं कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, तो हम ऐसे ऐसे लोगों का कैसे प्रोटेक्शन करेंगे जो कॉलेजेस में इतने सालों से काम कर रहे हैं, 15 साल से 18 साल से 12 साल से 5 साल से जो लोग काम कर रहे थे, उनका किसी ना किसी रोस्टर के तहत ही तो अपॉइंटमेंट हुआ था अपने कॉलेज में, कि वो बाहर से टपक पड़े थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने बार ये क्रूएल म्यूजिकल चेयर उनके साथ खेला जाएगा? उस स्थिति में अपने आप को डाल करके देखिए, 15 साल से 18 साल से पढ़ा रहे थे, कई जगह पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो खालसा कॉलेज हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, जहां जहां हुआ है वो नरसंहार हुआ है। कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जो सिलेक्शन कमिटी द्वारा रिकन्वेन हुआ है, दोबारा सिलेक्शन कमिटी को रिकन्वेन करो, और जो लोग हट गए हैं उनको न्याय दो, उसी जगह पर दो। कल भी हमने लक्ष्मीबाई कॉलेज में यही बात कहा, हमने हंसराज कॉलेज में यही बात कहा, और कॉमर्स में भी यही बात करनी होगी, हर जगह पर यही बात करनी होगी, चाहे वो देशबंधु कॉलेज में भी हमने यही बात कहा। लेकिन खाली कहने से तो कुछ होगा नहीं, रिकन्विन तो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जिसको लिस्ट के आया था उसके तहत लग गए। तो ये लिस्टबाजी धंधा बंद करो, जो लिस्ट यहां पर आया हुआ है ना उसको सम्मान देना चालू करो, इनको इज्जत देना चालू। हम इसके लिए ये न्याय के लिए नहीं लड़े थे। एब्जॉर्प्शन का लड़ाई में 1.5 साल लग गया था, रात दिन इकट्ठा करके हमने 1.5 साल उसे एक ऐतिहासिक स्ट्रगल हुआ था, जिसमें लोग दिन और रात को भूल गए थे, ठंड भूल गए थे, बारिश को भूल करके वहां पर समय रात दिन बिताया था। आज उनके साथ यही बर्ताव होगा। मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 हर कोई बोले जिंदाबाद, 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 वी वांट जस्टिस। सभी एडॉप्ट टेम्पररी टीचर्स को परमानेंट करो, सबका मतलब ये कहां से आगे सब, इसको माइनस करके जो एडॉप्ट और टेम्पररी टीचर्स को परमानेंट करो, ये मन के अंदर में, दिमाग के अंदर में हमारा नारा। लड़ाई तब बनेगी, लड़ाई होगी। मैंने तो एक कॉलेज में जाकर के कहा, मैंने कहा बी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर। हम लोग लड़ाई करने के लिए आए नहीं है कि बात करके निकल जाएंगे, जंग होगा इसके ऊपर।
अन्याय के विरुद्ध जंग जरूर होगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनका हक के लिए जंग जरूर होगा, और ये जंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का हर साथी हिस्सा लेगा। धन्यवाद।